हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? मजे में? लास्ट इंटीग्रेशन और डेरिवेशन हमने पढ़ा। आई होप कि उसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट मी, और आप घर पे भी आके वो सीख सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है जो 2 साल के लिए हमें बहुत ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो ग्राफ। वैसे मैथ्स वाले बच्चों तो ऑलरेडी पढ़ने वाले हो ग्राफ, क्योंकि मैथ्स में पूरा चैप्टर है, लेकिन हमें बायो वाले जो स्टूडेंट है उनको 11th 12th में जहां जहां भी ग्राफ की जरूरत पड़ेगी तो कैसे उसमें क्या करना है वो याद रखना है। वैसे 40 मिनट्स का हम पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, और उसके बाद फाइनली जो मैं कंक्लूजन बताऊंगा आपको, वही कंक्लूजन सिर्फ 2 साल के लिए आपको याद रखना है। फिर भी इसको डिटेल में आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। प्लीज फोकस ऑन ग्राफ, ठीक है? चलो पहले तो हार्मोनिक फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि साइन एंड कॉस दोनों हार्मोनिक फंक्शन। क्यों हार्मोनिक फंक्शन है? तो इनकी जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है बिटवीन -1 to 1, रिपीट बिटवीन -1 to 1, इसलिए दोनों को हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ आपने देखा था। यहाँ पे मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं। याद करो बच्चों, यूनिट सर्कल हमने पढ़ा था, ए हमारा 0 है, ए π/2 है, ए पाई 3π/2 और 360 मतलब 2। ए कोऑर्डिनेट तो हमारा 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। इसके बेस पे टेबल भी आपने देखा, साइन और कॉस का। यहाँ पे मैं एंगल ले रहा हूं, यहाँ पे फंक्शन है वाला साइन एंड कॉस। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखेंगे हम, 0, 90, 180, 270, 360। रेडियन में लिखे तो 0 π/2 π 3π/2 एंड 2π। साइन 0 की वैल्यू मैंने आपको बताया था, हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कॉस है, सेकंड कोऑर्डिनेट साइन है। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 0 -1 0 और वापस आ जाओ 1। साइन की वैल्यू क्या होगी? स्टार्ट करो 0 फिर 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0। तो बच्चों आप देख सकते हो साइन की वैल्यू +1 -1 के बीच कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सेम कॉस की वैल्यू भी -1 + 1 के बीच कंटिन्यूअसली चेंज हो रही। तो साइन और कॉस ऐसे तो फंक्शन है जिनकी वैल्यू रेगुलर इंटरवल में, मतलब -1 to 1 के बीच कंटिन्यूअसली चेंज होगी, इसलिए इसको क्या नाम दिया मैंने? हार्मोनिक फंक्शन। तो आज बच्चों हम साइन और कॉस का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। देखो पहले यहां पे मैं ग्राफ बनाता हूं साइन का ग्राफ, नीचे कॉस के लिए बनाएंगे ग्राफ। यहाँ पे y=sin θ vs θ का ग्राफ है, y=cos θ vs θ का ग्राफ है, ठीक है? ये ओरिजिन 0 π/2 π 3π/2 एंड 2π, सेम 0 π/2 π 3π/2 एंड 2π, ठीक है बच्चों? ये जो भी एंगल मैंने लिखे वही एंगल लिखे। हमें पूरे वन रोटेशन के लिए एक ग्राफ चाहिए। क्यों चाहिए? तो जब आप हार्मोनिक फंक्शन पढ़ोगे, जब आप वेव मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो उस वक्त आप देखोगे कि साइन और कॉस के हिसाब से वेव प्रोपगेशन होता है, ठीक है? चलो बच्चों इग्नोर करो, साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। साइन π/2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा +1 - 1, यहाँ पे भी +1 - 1, क्योंकि आप जानते हो कि आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, तो +1 - 1। साइन 0 0, साइन 90 1, यहाँ पे टिक मार्क करो। साइन 180 अगेन 0, 3π/2 -1,
तो पाई जीरो है तो ए मुझे साइन का खा ये हो गया साइन थीटा का यही वैल्यू मैंने यूज किया ठीक है बच्चों समझ में आ गया। अगर माइनस साइन है तो सभी की वैल्यू माइनस हो जाएगी जो माइनस है वो प्लस होगा प्लस है वो माइनस होगा इसलिए साइन का जो ग्राफ है ऐसा ही मैं डॉट मार्क कर रहा इसके मिरर हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मिरर है मतलब क्या हो जाएगा माइनस एक जो डार्क लाइन है वो साइन का ग्राफ डॉट लाइन है वो माइनस साइन के ग्राफ है। चलो बच्चों कॉस के लिए कॉस जीरो की वैल्यू क्या है वन है तो यहाँ पे एक मान करो कॉस पाई बाय टू जीरो कॉस पाई माइनस टू थ्री पाई बाय टू जीरो और टू पाई की वैल्यू अगेन प्लस वन हम ये ग्राफ होगा एक कॉस फंक्शन के लिए ग्राफ माइनस कॉस थीटा लेना है तो इसका मिरर मतलब ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट किए ये नीचे से स्टार्ट होगा इसका एम्पलीट्यूड इसे नीचे या ऊपर जाना नहीं चाहिए ओके ये पीक पॉइंट हो गया ठीक है सेम ओके तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हार्मोनिक फंक्शन के आपको सिर्फ दो ग्राफ याद रखना है साइन और कॉस सिंपल से याद रखो प्लस साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा ओरिजिन से ऊपर की ओर माइनस साइन का ग्राफ ओरिजिन से नीचे की ओर अगर प्लस कॉस है तो एक्सट्रीम पोजीशन ऊपर से स्टार्ट होगा माइनस कॉस है तो नीचे से स्टार्ट ठीक है पॉज करके लिखो नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन यहां पे हम स्ट्रेट लाइन सेकेंड स्ट्रेट लाइन फिजिक्स में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके बिना हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि जब लीनियर मोशन की बात करेंगे तो वहां पे कौन सा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन तो अच्छे से समझ लीजिए कि y इक्वल टू mx प्लस c वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द कांस्टेंट m इज द स्लोप एंड c इज द कांस्टेंट मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे समझो बच्चों सबसे पहले x इंटरसेप्ट फाइंड जब x इंटरसेप्ट आपको फाइंड करना हो तो y इक्वल टू जीरो मैंने y की वैल्यू जीरो तो इक्वल टू क्या होगा mx प्लस सो x इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा माइनस c अपॉन n इसको इस साइड पे ले आओ माइनस और नीचे ले तो मुझे एक कोऑर्डिनेट मिल जब जब y कोऑर्डिनेट जीरो होगा y कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस c अपॉन n चलो बच्चों y इंटरसेप्ट चाहिए आपको तो इसके लिए x इक्वल टू जीरो x इक्वल टू जीरो ठीक है अब x इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्या होगा ये वाला जो इक्वेशन है इसके अंदर x की जगह पे जीरो तो y इक्वल टू मुझे क्या मिला तो इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट मिला जीरो से बोलो बच्चों इतना समझ में आ गया ओके अब हमें क्या करना ग्राफ ड्रॉ करना है ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे तो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है मतलब एक कोऑर्डिनेट क्या है माइनस c बाय m जीरो y जीरो और x कोऑर्डिनेट है माइनस c बाय ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है जीरो से ओके आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करोगे फाइंड मिनिमम टू पॉइंट
तो हमारे पास दो पॉइंट पॉइंट वन जिसको ये नाम दे दो, हमारे ये पॉइंट हो गया। पॉइंट टू जिसको भी नाम दे दो, हमारा बी पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, ये ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, दोनों को कनेक्ट कर तो हमें लाइन इक्वेशन मिला y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। मुझे यहां पे ड्रॉ कर देता हूं नीचे, मुझे इसका स्लोप निकालना है। तो क्या करेंगे आप, कोई भी जगह पे ये जो ग्राफ है इसको एक्सेप्ट के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो ये सभी एंगल सेम होंगे। सभी एंगल कैसे सेम? रीजन, स्लोप क्या है तो मैंने आगे आपको बताया, स्लोप मीन्स थीटा, टेन थीटा, टेंजेंट वैल्यू ऑफ थीटा, टेंजेंट वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच मेड बाय लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट वैल्यू ऑफ थीटा, टेंजेंट वैल्यू ऑफ थीटा डिफाइन एज स्लोप, थीटा इज थीटा इज मेक एन एंगल, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हम एंगल जो भी लेंगे वो आप किसके रिस्पेक्ट लेंगे, एक्स एक्सिस के, जो भी एंगल आप कंसिडर करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट होगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। चलो अब इसका स्लोप निकालना है तो क्या करें, एक ट्रायंगल बना हो कहीं पे भी आप बना सकते हैं। मान लो कि मैंने एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, एक ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल इसके अंदर पी आर जो हमारा पॉइंट है वहां से एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिया एक्स वन एक्स टू, और यहां से वाई एक्सिस पे मैंने प्रोजेक्शन लिया वाई वन वाई, मतलब इतना डिस्टेंस एक्स वन है इतना एक्स टू है, ये y1 है और ये y2 है। तो हम क्या करेंगे, tan theta equal to opposite divided by adjacent, opposite side क्या होगी, तो ये distance में से minus किया मतलब हो गया y2 minus y1, तो equal to y2 minus y1 upon x2 minus x2, इसमें से minus किया ये distance हो गया x2 minus x2, ठीक है। तो slope means what, tan theta इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन, अभी मैं पांच छह क्वेश्चन आपको करूंगा, तो उसमें लाइन का लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है और ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब याद रखो एक टेक्निकल थियरी है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, उसका x इंटरसेप्ट क्या होगा तो माइनस c बाय, y इंटरसेप्ट क्या होगा तो c होगा, ओके। और इसका स्लोप क्या होगा तो tan theta equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। जब भी आपको कोई ग्राफ निकालना है तो आप यही मेथड्स यूज करोगे, पहले y कोऑर्डिनेट से लो फिर x कोऑर्डिनेट से लो, दो पॉइंट निकाल के लाइन ड्रॉ करो फिर उसका स्लोप निकालोगे, ठीक है। पॉज करके देखो, चलो स्ट्रेट लाइन के कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने एक दो तीन चार चार क्वेश्चन लिखे, चारों क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे और बाद में ये होमवर्क के लिए दिया हुआ उसमें से एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। क्या करना है, समझो, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम को पॉइंट चाहिए। पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या पॉइंट बोलोगे, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई कोऑर्डिनेट जीरो लेंगे, मतलब 2x plus 3 equal to 0, मतलब x equal to क्या हुआ, minus 3 by 2, x equal to minus 3 by 2 हो गया,
तो हमें एक पॉइंट मिल रहा है, कौन सा पॉइंट बोलो बच्चों, माइनस थ्री बाई टू जीरो, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो आए इंटरसेप्ट पॉइंट पर, एक्स जीरो ले लो, ठीक है, तो वाई इक्वल टू टू जीरो प्लस थ्री, मतलब वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, थ्री। एक दूसरा पॉइंट मिल गया, बोलो बच्चों कौन सा, जीरो एंड थ्री, ये बी पॉइंट हो गया। ओके, अब आपको स्लोप निकालना है, सॉरी ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका स्लोप कितना है, इक्वेशन को वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो इसका स्लोप क्या आएगा, एम इक्वल टू टू, या फिर लिखता हूं मैं स्लोप एम इक्वल टू थ्री, इक्वेशन को वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, एम इक्वल टू क्या मिलते हैं, थ्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट सिंपल सी बाय एम भी लिख सकते हैं, एम बाय सी, सॉरी। ओके चलो अब क्या करना है, हमारे पास दो पॉइंट है, एक जीरो थ्री, जीरो थ्री, और दूसरा पॉइंट है माइनस थ्री बाई टू जीरो, ये हमें ग्राफ मिल रहा है, ये हमारा ए पॉइंट है, सॉरी बी पॉइंट है, और ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा ग्राफ हो गया वाई वर्सेस एक्स। ओके बोलो इतना समझ में आया, जरूर नहीं कि ऐसा ही ग्राफ होगा, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो ऐसे नीचे भी हो सकता है, आपको तीन पॉइंट को फॉलो करना है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप, ये तीन चीज आपको निकालनी है और फिर लाइन को ड्रॉ करना है, बात क्लियर, समझ में आया। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम टू पॉइंट, तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करो, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो ले लो, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो ले लो। चलो बच्चों यहाँ पे क्या है, वाई इक्वल टू टू एक्स, मतलब अगर x 0 लिया तो y क्या होगा, 0, और अगर y 0 लिया तो x 0, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, और इसका स्लोप कितना आएगा, m इक्वल टू x 0 तो y 0, y 0 तो x 0, मतलब ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो गया, निकल जाएगा, ठीक है, और इसका जो स्लोप बनेगा वो स्लोप कितना आएगा, तो m इक्वल टू m equal to tan theta equal to x versus y, ठीक है, समझ में आया, x 0 लिया तो y की 0 वैल्यू, y 0 लिया तो x की वैल्यू 0 होगी, मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट। चलो बच्चों y equal to 4 है, इसका मीनिंग क्या होगा कि x की कोई भी वैल्यू के लिए, x की कोई भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी रहेगी, तो जब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर x कॉन्स्टेंट है चाहे माइनस हो प्लस हो, अगर x कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू माइनस 4 का ग्राफ, ये y इक्वल टू 4 का, बच्चों समझ में आया, अगर x 0 है, x 0 है तो ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी अगर x 0 है तो ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर y 0 है, y 0 है तो ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है बच्चों। या तो मैंने और एक तीन क्वेश्चन लिखे जिसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, तो पहले तो y इक्वल टू 3 बाई 4 एक्स माइनस 16 बाई 4, मतलब इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फाइनल होमवर्क पे से निकाल दो, कोई भी लाइन इक्वेशन दिखे आपको, लाइन इक्वेशन कैसे मालूम पड़ेगा, y प्रोपोर्शनल टू x होगा तो लाइन इक्वेशन, तो उस वक्त हमें क्या करना है, कोई भी इक्वेशन दिखा दे तो हमें क्या करना है, तो y इक्वल टू ये फॉर्म में ले आ, अब हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू क्या है, तो 3/4, ये हमारा स्लोप हो गया, सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस विद साइन, ठीक है,
अब आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लो, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो ले, तो y अगर 0 लिया x इक्वल टू क्या मिलेगा, y अगर 0 लिया y इक्वल टू 0 लिया तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 16/3। ओके तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, बोलो बच्चों 16/3 0। और अगर y इक्वल टू 0 लिया, अगर y इक्वल टू 0 लिया तो x इंटरसेप्ट हो गया, x इक्वल टू 0 ले लो तो y इक्वल टू होगा -4, मतलब कोऑर्डिनेट होगा 0/2। अब आप दो पॉइंट फाइंड करो कैसे है, चलो सोचो 16/3 पॉजिटिव है और ये 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा 16/3 0, 0-4 है, 5-1 है, तो यहाँ पे पॉइंट होगा 0-4। ये दोनों को कनेक्ट करो, ठीक है, तो ये हमारी लाइन है। तो जरूरी नहीं है कैसे लाइन, इसके लाइन कैसे निकलेगी, स्लोप पॉजिटिव है इसलिए ऊपर जा रहा है, नेगेटिव होगा तो कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करना, इतना डीप लाइन में हमें जरूरत नहीं पड़ने वाला, फिर भी हम एक तो थियरी है 12 में जिसपे इंटरसेप्ट और स्लोप हम निकालते हैं, तो इसके लिए हमें ये करना जरूरी है, तो ये पॉज करते हैं। चलो स्ट्रेट लाइन क्लियर हो गए, हार्मोनिक फंक्शन डायग्राम स्ट्रेट लाइन दोनों क्लियर। अब कुछ स्टैंडर्ड है पैराबोलिक, जब भी y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x है, सॉरी y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर हो तो उसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक हो। पैराबोलिक में क्या करना है सिर्फ, अगर y स्क्वायर इक्वल टू kx, अगर y square equal to kx मतलब y square proportional to x आपको नजर आए तो उस वक्त इसका जो ग्राफ है हमें इस तरह से मिलेगा, मतलब ग्राफ along x axis होगा, और अगर k positive है, k positive है तो ग्राफ का जो shape है वो x axis के direction में open होगा, लेकिन अगर minus है तो negative x axis में open होगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि y square proportional to x जब भी हो कि अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस ओपन होगा और माइनस है तो वो नेगेटिव x एक्सिस ओपन होगा। x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू y है तो x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस y, अगर प्लस k है तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, माइनस है तो नीचे की तरफ। इन शॉर्ट जिसके अलोंग होगा x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू y है तो ग्राफ अलोंग y एक्सिस मिलेगा, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ अलोंग x एक्सिस। अगर k प्लस होगा तो ओपन प्लस की तरफ होगा, माइनस होगा तो ओपन माइनस की तरफ होगा। ओके तो दो साल के लिए याद रखो, जब भी y प्रोपोर्शनल टू x में नजर आए वो ग्राफ है ऑलवेज कैसा होगा, पैराबोलिक। आप इक्वेशन जानते हो कि y इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा x प्लस c इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू c, ऐसा कोई भी इक्वेशन आपको नजर आए तो कैसा इक्वेशन है, पैराबोलिक। ऐसा होगा पैराबोलिक इक्वेशन, समझ में आया पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो कभी आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है, फिर भी जब एक चैप्टर के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, जब प्रोजेक्ट का क्वेश्चन पढ़ेंगे उस वक्त उसका डिस्कशन पक्का करेंगे, क्योंकि अभी इसकी जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ दो साल के लिए जरूरत है कि y प्रोपोर्शनल टू x का मतलब पैराबोलिक, ठीक है, लेकिन उसका शेप जरा याद है कि जिसके प्रोपोर्शन होगा उसके अलावा ग्राफ होगा प्लस होगा या तो माइनस होगा। नेक्स्ट है हाइपरबोला, याद रखो बच्चों जब भी y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x नजर आए, y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x स्क्वायर नजर आए और y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x क्यूब नजर आए तो उसका जो शेप होगा वो हाइपरबोला, ठीक है। हां उनकी डेप्थ चेंज हो, उसका जो कर्वेचर है वो चेंज होता जाएगा, लेकिन आप टेंपर याद रखो जब भी y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x क्यूब आए तो उसका ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला। देखो बच्चों यहां पे xy इक्वल टू k मैंने लिखा है, k पॉजिटिव कब हो सकता है, या तो दोनों प्लस हो गए या तो दोनों माइनस हो गए, मान लो कि दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा शेप है, अगर दोनों माइनस है
तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा शेप है। ओके, तो जब xi इक्वल टू k के ग्रेटर देन 0, मतलब अगर k पॉजिटिव है तो या तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। लेकिन अगर k लेस देन 0 हो, k नेगेटिव कम होगा, या तो x नेगेटिव होगा या तो y नेगेटिव होगा, दोनों में से अगर एक नेगेटिव है तो ही k की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो सब हमें ग्राफ को दूसरे क्वाड्रेंट में या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक आप याद रखना, ये हमें जरूरी है। दो और लिखे जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाला, एलिप्स, जब लॉ कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे तब हम डिस्कशन करेंगे कि इनिशियली केपलर ने कंसीडर किया था कि हमारा जो सन है, मतलब कि अभी हम ऐसा मान के चलते कि सन एज अ सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन, और सबका जो पथ है वो सर्कुलर है, ऐसा हम अभी मान के चलते हैं। लेकिन इनिशियली केपलर ने उसका जो पथ है वो इलेक्ट्रिकल कंसीडर किया था। इलेक्ट्रिकल में दो एक्सिस है, एक को मेजर एक्सिस और दूसरे को माइनर एक्सिस कहते हैं। मेजर एक्सिस का डायमीटर 2a है, माइनर एक्सिस का डायमीटर 2b है, और एलिप्स का ये जनरल फॉर्मूला है, कभी दिखने वाला नहीं है, लेकिन बाय चांस फिजिक्स में कहीं भी ऐसा नजर आ जाए x स्क्वायर पर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो पक्का उसका नाम एलिप्स है। और अगर a इक्वल टू b ले लिया, तो वो एक्सिस अगर सेम है तो सर्कल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्कल। सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, वेयर a इज द रेडियस, ठीक है बच्चों। तो इतना पोस्ट करके देखो, चलो लास्ट वन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है सर, बाय चांस ऐसा एक इक्वेशन y इक्वल टू e रेस टू माइनस x, y इक्वल टू e रेस टू माइनस x, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू होल पावर e रेस टू x। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी और y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो मैं ऐसा करूंगा, ये y वर्सेस x का ग्राफ है, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये y वर्सेस y इक्वल वी इज टू माइनस x का ग्राफ है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर y इक्वल टू 1 माइनस e रेस टू माइनस x, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अगर x इक्वल टू मैंने 0 लिया, यहां पे मैं लिख सकता हूं अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू इनफाइनाइट, x इक्वल टू आप 0 लोगे, x इक्वल टू 0 लोगे, e रेस टू 0 मतलब 1, y इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। और e रेस टू इनफाइनाइट, वन ऑफ इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, अगर x इक्वल टू आपने इनफाइनाइट लिया y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, पहले मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1, लेकिन x इक्वल टू इनफाइनाइट लिया तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, आप देख सकते हो मैक्सिमम से वैल्यू डिक्रीज होगी, क्या हो जाएगी 0। सोचो बच्चों क्या होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़े तो 1 अपॉन x की वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये अगर डिक्रीज हो डिफरेंस क्या होगा इंक्रीज होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाए वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होती जाएगी, सॉरी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी सेम y की जो वैल्यू है, x की वैल्यू बढ़ेगी तो नीचे की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये रेशियो डिक्रीज होगा और y की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हमें ऐसा मिले, यहाँ पे x इक्वल टू 0 ले लो, अगर आपने x इक्वल टू 0 लिया तो e रेस टू 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाए, एक कोऑर्डिनेट a मिल गया। अगर x इक्वल टू आपने इनफाइनाइट लिया, x इक्वल टू इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसका ग्राफ हमने ऐसा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल के दो ग्राफ आपको याद रखना है बच्चों, एक y इक्वल टू e रेस टू माइनस x का ग्राफ और दूसरा y इक्वल टू 1 माइनस
वन अपॉन ई रेस टू एक्स, तो वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। हमने पढ़ा था कि दो टाइप के लॉगरिथम थे, ई बेस और टेन बेस, ई की वैल्यू थी 2.718, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो ई को 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं आपको 2.03। ठीक है बच्चों, तो ए आप पॉज कर दीजिए।